हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। और आ चुका हूं मैं इंटरप्रेन्योरशिप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, मैं आ चुका हूं क्वेश्चन नंबर 9th के ऊपर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9th के ऊपर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि ये मैं बार बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूं। मैंने आपको वेंचर कैपिटल की स्टार्टिंग प्रोसेस का क्वेश्चन बोला था, उसका आंसर भी यही है। क्या कहने की कोशिश हो रही है, क्वेश्चन है हमारा स्टेप्स इन्वॉल्व इन लॉन्चिंग अ बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कौन कौन सी प्रोसेस हमको फॉलो करनी होगी, ये सिंपल सा क्वेश्चन बनने वाला है। इसके अलावा अपन ने अभी तक देखा है प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो तो कौन कौन सी प्रोसेस बननी होगी, ठीक है। अब आ गया है कि बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कौन कौन सी प्रोसेस बननी होगी, और अगर वेंचर स्टार्ट करना है तो कौन सी प्रोसेस बननी होती है, ये पैरेलल चलने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन था जिसमें मैंने ये बोला था कि मैं आपको फिर से बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर, वो ये 9th क्वेश्चन में है और दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। देखना, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है लेकिन केवल लिखने का थोड़ा सा तरीका होगा। जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात आ जाएगी तो अपन वेंचर वर्ड यूज़ करेंगे, और जब बिजनेस की बात आ जाएगी तो बिजनेस वर्ड यूज़ करेंगे। कैमरा में थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया गया है, यहाँ पर चेक करके बता दीजिएगा सबको ठीक है, ऑल राइट, क्योंकि थोड़ा सा टीम ने कहा कि ऐसा ऐसा कर देते तो हमने कर दिया, ठीक है। पहला पॉइंट जो होगा, किसी भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपन को रिसर्च करनी है। क्या करनी है? रिसर्च। अब ये रिसर्च जो होगी, जो अभी आप रिसर्च करोगे, ये ओन पर्सनैलिटी के हिसाब से होगी, बजट के हिसाब से होगी, ठीक है, मार्केट के हिसाब से होगी। जैसे कि मान लेते हैं कि मार्केट में अभी टेलीकॉम सेक्टर का बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर बहुत हाई ग्रोथ करेगा, लेकिन क्या भाई अपन 100-1000 करोड़ की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं? क्या अपन ने पास इतना बजट है? ये वाली सारी बातें इसके अंदर बात की जाएगी, ठीक है। तो अपन मार्केट के अकॉर्डिंग बात करेंगे, खुद की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि हमको टेक्निकल नॉलेज है, कितनी स्किल है। तो ये होती है रिसर्च का बेसिक फंडामेंटल, कि अपन जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस के बारे में सीखते हैं। इसलिए कोई भी बच्चा मेरे पास आता है कि सर मेरे को बिजनेस करना है, धंधा करना है सर, तो आप, मैं उसको सीधे बोलता हूँ कि कहीं पर नौकरी कर। वो बोलता है सर मेरे को तो बिजनेस करना है, आप मेरे को नौकरी पर लगा रहे हो। मैं कह रहा हूँ आपको नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए पहले बेसिक फंडामेंटल जानना जरूरी है। यदि आपको पता होगा कि ये प्रोडक्ट एक लेबर इतने टाइम पीरियड में बना सकता है, तभी आप उस बिजनेस में ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस रहेंगे। अगर आपको केवल ये लगता है कि मेरे को तो गल्ले पे बैठना है, चार नौकर रह जाएंगे, पिताजी चार नौकर ला के रख देंगे, तो यकीन मानिए वो बिजनेस ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा और वो नेगेटिव भी जा सकता है। लेकिन जब आप खुद एज अ लेबर मेहनत करेंगे, अपनी ही दुकान के अंदर कोई शर्म नहीं करेंगे, तब फ्यूचर में जाके आपको पता रहेगा कि लेबर ने वहाँ पे सही से काम किया है, एम्प्लॉय ने सही से काम किया है, उसने मेहनत करी है या नहीं करी है। तो दैट इज़ आवर रिसर्च। सेकंड, मेक अ प्लान। अपन ने रिसर्च कर ली कि एक वेंचर स्टार्ट करना है, मान लेते हैं सोप मैन्युफैक्चरिंग का वेंचर स्टार्ट करना है, फिर एक प्लान कर लिया सोप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई हर्बल दवाइयों का बिजनेस स्टार्ट करना है, हमने सब उसके ऊपर पता है कि ये वाले उसमें पेटेंट की रिक्वायर्ड होगी, ये कॉपीराइट की रिक्वायरमेंट होगी, सब कुछ कर लिया। प्लानिंग करनी कि कौन सी चीज़ पहले करी जाएगी, कितना फंडिंग की ज़रूरत हमें पहले होगी, कितने फंडिंग की ज़रूरत बाद में होगी, कब हमारे प्रोडक्ट टारगेट कहाँ होंगे, टारगेट ऑडियंस कौन सा होगा, ये सारी की सारी। उसके बाद हम हमारे फाइनेंस के लिए भी प्लान करते हैं कि खुद कितना लगाएंगे, बाजार से कितना लेंगे, बैंक से लोन कितना लेंगे, गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव ले रहा है तो वहाँ से पैसा कितना लेंगे, फिर अपना बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करेंगे। बिजनेस स्ट्रक्चर का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो 3 लेवल है, टॉप मिडल लोअर, यानी कि किस लेवल पे कितने एम्प्लॉई रहने वाले हैं, ज़्यादा कितने पे रखने, कम किस पे रखने, कौन क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, 1-way कम्युनिकेशन रहेगा, 2-way कम्युनिकेशन रहेगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी बिजनेस स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है, रॉ मटेरियल परचेस कहाँ से करेंगे, इसको सेल कहाँ से करेंगे, कौन बंदा ये प्रोडक्ट देगा, पैक एंड रजिस्टर योर बिजनेस नेम। इसके बाद, वैसे तो ये अपने रिसर्च में ही हो जाता है लेकिन उसके बाद और प्लान में भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद की स्टेप है जब अपन ने बिजनेस स्टार्ट करने के ऑन पेपर सारी कार्रवाई हो गई, तो अपन एक नाम रखेंगे उसका, फिर नाम रखने के बाद उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्टर्ड कराएंगे ताकि अपने नाम की कोई कॉपी ना कर सके, फिर उस नाम का लाइसेंस और परमिट अपन को मिल जाएगा, फिर उसके बाद अपन ही अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि अपना अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट कर देंगे, या जो जनरल ट्रेडिंग के ट्रांजेक्शन होते हैं उसको नोट करना स्टार्ट कर देंगे। जितना बड़ा बिजनेस होगा अकाउंटिंग सिस्टम उतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। छोटे बिजनेस में मैं आज भी कह रहा हूँ कि हाथ से ही
कैशबुक करी जाती है, लेकिन जैसे ही आपका बिजनेस करीबन 10 लाख का हुआ, आपको टैली का यूज़ करना होगा, आपको एक्सेल का यूज़ करना होगा, सिंपल है। और उसके बाद सेटअप योर बिजनेस लोकेशन, अकाउंटिंग सिस्टम भी कर लिया आपने लोकेट, बिजनेस की लोकेशन भी कर ली, फिर टीम को रेडी भी कर लिया और प्रमोट कर लिया योर स्मॉल बिजनेस। अब मोटे मोटे से ये तो सारी के सारे बुकिश पॉइंट है, लेकिन मोटे मोटे से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट अपन को फॉलो करने हैं। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको रिसर्च करनी होगी, ये पॉइंट तो कॉमन है कि हमको क्या करनी होगी, रिसर्च करनी होगी। रिसर्च करने के बाद हमको अल्टरनेटिव जो भी होंगे उनमें से चूज करना होगा कि ये वाला बिजनेस मैं कर सकता हूँ। जब आप चूज कर लेंगे तो एक प्लान बनाएंगे, है ना, उस प्लान के अंदर कुछ चीज़ें शामिल होगी, क्या कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होगी, मतलब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट, आपके वेंडर कौन कौन होंगे, मतलब जो आपको माल सप्लाई करेंगे, ठीक है, और वो कहाँ से किस लोकेशन से अपन को माल लेकर आना है, ठीक है। इसके अलावा उसकी टारगेट ऑडियंस कौन सा होगा जिनको आप ये प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, तो ये हमारा प्लान हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल, वेंडर और टारगेट ऑडियंस, ये मोटे मोटे तौर पे अपन डिसाइड करेंगे। इसके अलावा सेल्स प्रमोशन की टेक्निक भी यहीं पे डिसाइड हो जाएगी। और फिर इस प्लान को हम क्या करेंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन का पॉइंट आपको डालना कंपलसरी है, याद रखना जब भी बिजनेस डालो रजिस्ट्रेशन का पॉइंट डालना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन में आपको बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक जीएसटी नंबर लेना होगा, जीएसटी नंबर तो खैर 40 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए जीएसटी नंबर नहीं, आपको एक बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा और एक बिजनेस के नाम का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ये हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है सर, उसके बाद एग्जीक्यूट करना है बस, और एग्जीक्यूशन के बाद में फॉलोअप कि हमने जो प्लान करा था वो कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और उसमें कहीं कमी रह रही है तो उसका कंट्रोल कैसे करें। तो ये पूरा का पूरा बिजनेस का प्रोसेस रहता है। आई होप बहुत ही सिंपल है, कोई एक छोटा सा धंधा स्टार्ट करना है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है जो स्टेप बाय स्टेप है। रजिस्ट्रेशन का पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है, कैपिटल रिक्वायरमेंट का पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है, बुक के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट दे रखें कि प्रमोशन करना है, टीम को रेडी करना है, सेटअप करना है, चूज़ करना, अकाउंटिंग सिस्टम का पॉइंट मैंने स्किप कराया क्योंकि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी तब आएगी जब बिजनेस थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी 5-10 लाख रुपए का होगा, वरना तो आपका हैंडमेड काफी होता है, ठीक है। बी प्रैक्टिकल, 10,000 रुपए के हिसाब करने के लिए आपको टैली सॉफ्टवेयर की एंट्री सीखना कोई जरूरी नहीं, आप एक्सेल पे कर सकते हो। 1,000 रुपए के हिसाब करने के लिए आपको कंप्यूटर खोलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप पेन पेपर से कर सकते हो। 100 रुपए का हिसाब करने के लिए आपको कैलकुलेटर पे नहीं जाना चाहिए, आपको वर्बली उसकी टोटलिंग आनी चाहिए, तभी तो बिजनेसमैन बनता है। ऐसे ही थोड़ी हर कोई थोड़ी आगे बढ़ पाता है, तो बिजनेसमैन की बेसिक फंडामेंटल, हमको टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करना है लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं होना, इट इज़ ओनली आवर हेल्पिंग एंड। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2 बार हमारी टीम ने ये हिट करा है, वेंचर कैपिटल के नाम से भी और बिजनेस के नाम से भी, तो अच्छे से याद कर लेना। किसी भी प्रोडक्ट के थ्रू याद कर सकते हैं, कंपनी के थ्रू याद कर सकते हैं, एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी रहेगा, तो आप अच्छे से याद करके जाना, ये मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब कि बहुत अच्छी संभावना लगती है मेरे को ये क्वेश्चन आने की। बाकी अपनी किस्मत, और जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, और जल्द ही नए वीडियो के साथ भी मैं मिल रहा हूँ। जय हिंद।